नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि मोदी जी और योगी जी अपना घर और परिवार छोड़कर अपने देश और अपने राज्य की सेवा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पत्नी के बारे में कि आज कहीं सालों बाद ये प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पत्नी जसोदा बेन से मुलाकात की है और दोनों पति पत्नी की मुलाकात का आज हम आपको पहली बार पूरा का पूरा वीडियो लाइव दिखाने वाले। इसीलिए आप वीडियो को आगे भगाए बिना आखिर तक जरूर देखते रहे और आप भी मानते हो कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि मोदी जी ने पहले कहीं बार कहा कि उनके लिए तो 125 करोड़ देशवासी उनके लिए उनका घर और परिवार है। हालांकि मोदी जी को जब भी समय मिलता तो वो अपने परिवार वाले और अपनी माताजी से मुलाकात करने ज़रूर जाते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता देना चाहते कि आज भी मोदी जी की जो पत्नी है खुद के दम पर छोटा मोटा कार्य करके अपना गुजारा करती है, ना कि मोदी जी से किसी तरह की उम्मीद रखती है। मोदी जी की पत्नी एक रिटायर्ड शिक्षिका है। बताया जाता है कि उनको वर्तमान में 14,000 रुपये पेंशन मिलती है, जिससे वो अपना घर और परिवार चलाती है और वो अपने भाई अशोक के साथ रहती है। ऐसे में दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि मोदी जी की शादी जो गुजरात के एक छोटे से गांव में हुई थी, हालांकि ये शादी सिर्फ 3 साल चली और इन 3 सालों में बताया जाता है कि मोदी जी और उनकी पत्नी का जो साथ था वो सिर्फ 3 महीने का था। जब पहली बार मोदी जी की पत्नी ससुराल आई तब मोदी जी ने कहा कि तुम इतनी छोटी उम्र में ससुराल क्यों आई, तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। उस समय मोदी जी की पत्नी की उम्र 16-17 साल थी और मोदी जी की 20-22 साल थी। और मोदी जी ने यह भी बताया था कि मैं पूरे देश के भ्रमण पर निकलूंगा, जहां पर मुझे अच्छा लगेगा मैं वहां पर रह सकता हूं, तुम मेरे साथ क्या करोगी। बाद में मोदी जी अपना घर और परिवार छोड़कर संघ और आरएसएस में चले गए। उसके बाद मोदी जी 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने और साल 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री, और साल 2019 आते आते उससे भी बड़ी जीत के साथ जो मोदी जी देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने। और आप जानते हो कि इस समय मोदी का डंका जो देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गूंज रहा है। मोदी जी की पत्नी से पूछे गए एक सवाल और एक इंटरव्यू में कि दोनों पति पत्नी से अलग होने की वजह के बारे में, तो मोदी जी की पत्नी ने कहा कि दोनों का ना तो किसी तरह का झगड़ा हुआ और ना ही कोई बात हुई है। उन्होंने कहा था कि वो देश की सेवा करना चाहते थे, इसीलिए अपना घर और परिवार छोड़कर अपने देश की सेवा में लग गए हैं। ऐसा योगी आदित्यनाथ जी भी, वो भी अपना घर और परिवार छोड़कर वो भी अपने देश और अपने राज्य की सेवा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। योगी आदित्यनाथ जी एक दबंग और एक मजबूत नेता के रूप में जाने जाते हैं। जब से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब से उत्तर प्रदेश से कहीं अपराध और ऐसी घटनाओं पर लगाम लग चुकी है जो कि आए दिन सुनने को मिलती थी। मोदी जी और योगी जी के बारे में और भी अधिक जानकारी जानने के लिए अभी हमारे चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।